ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और खबर करनाल से, जहां एक ऐसे बुजुर्ग दंपति को औलाद का सौभाग्य प्राप्त हुआ है जो कि पिछले 35 सालों से औलाद के लिए दर दर भटक रहे थे, पर अब उन्हें टेस्ट ट्यूब के जरिए एक फूल जैसी लड़की पैदा हुई है, जिसे पाकर 67 साल के देवा सिंह और 55 साल की कांता देवी खासे खुश है। 35 सालों से ये बुजुर्ग दंपति अपने आंगन में बच्चे की किलकारियों को सुनने के लिए तरस गए थे। ऐसा कोई मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारा नहीं होगा जहां इन्होंने औलाद के लिए मन्नत न मांगी हो। 67 साल के देवा सिंह और 55 साल की कांता देवी ने तो इसे भगवान की मर्जी मानकर अपने दिल को तसल्ली भी दे दी थी, पर अब डॉक्टरों की मदद से उनके घर में एक फूल जैसी बच्ची पैदा हुई है। कई मन्नतों के बाद पैदा हुई इस बच्ची को पाकर बच्चे के पिता और रिश्तेदारों का कहना है कि उनकी नजर में लड़के और लड़की में कोई अंतर नहीं है। ऐसे हमारे पास एक लड़की मिली माना 35 साल के बाद, और हमें बहुत ही अच्छा सोच रहे, बहुत ही अच्छा, मतलब हमें बहुत ही मतलब खुशी है। हमें गुड़िया हमारे को बहुत सालों बाद मिली है, और हमें लड़के से कम नहीं आई है। लड़का लड़के को हमारे कभी फर्क नहीं समझा। मैं चाहती हूँ कि हमारी बेटी इतनी अच्छी बने कि कल अपना चावल लगते रहे, हमारा नाम रोशन करे। बुजुर्ग दंपति का इलाज करने वाली डॉक्टर प्रभजोत कौर का कहना है कि इतनी बड़ी उम्र में बच्चे को जन्म देना नामुमकिन सा होता है, पर इस केस में जच्चा और बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है। के बाद हमने टेस्ट ट्यूब बेबी की विधि से कांता के गर्भ में एक एम्ब्रियो रखा, और भगवान की असीम कृपा से ये एम्ब्रियो इम्प्लांट हुआ, और आज 36 वीक्स की प्रेगनेंसी पे अराउंड 2 किलो 600 ग्राम का बहुत ही प्यारा, हेल्दी और स्वस्थ बेबी का जन्म हुआ है। साइंस के क्षेत्र में रोजाना हो रहे नए इजादों का ही नतीजा है कि इतनी बड़ी उम्र में इस बुजुर्ग दंपति के घर नन्ही सी बच्ची ने जन्म लिया है। जिस औलाद के ना होने की वजह से जो बुजुर्ग दंपति दिन रात रोते रहते थे, अब औलाद होने से दोनों की आंखों से खुशी के आंसू थमने का नाम नहीं लेते। PTC न्यूज हरियाणा के लिए न्यूज डेस्क से विकास शर्मा और करनाल।